press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. सबका स्वागत है. हर गुरुवार को मिलते हैं, सुबह की सलाम आपके साथ होती है. सभी को सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग, नमस्कार. आज जो वनस्पति हम लाए हैं वो है कचनार. गुजराती में हम इसको कचनार बोलते हैं, हिंदी में कचनार बोलते हैं. ये कचनार फूल आपने कहीं देखे होंगे, आपके यहाँ होगा पता नहीं, लेकिन जामनगर में है. बहुत अच्छे कलरफुल ये आप देख रहे हैं उसके फूल. पत्ते भी इसके आपको दिखेंगे, ये बड़े बड़े पत्ते हैं, द्विदल जैसे लगते हैं, जैसे दो पत्ते हैं एक साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन एक ही पत्ता है. ये उसकी खास विशेषता है इस पत्ते की. इससे हम दूर से पहचान जाते हैं कि ये कचनार है. दो नहीं है, एक में से ही ऐसे ही दो बनते हैं, तो ये कचनार है. और जो बैंगनी या इसको हम कहते हैं पर्पल कलर का एक फूल है, दूसरा येलो होता है, तीसरा वाइट होता है. तीन उसकी जातियाँ प्रजातियाँ पाई जाती है. अक्सर हमारे यहाँ इस तरह के इस कलर के फूल मिलते हैं. क्या है कचनार, इसको अंग्रेज लोग तो नहीं समझ सकते, तो उसने आकृति के हिसाब से के कैमल फूट ऐसा दे दिया. ऊँट जैसा पाँव है इसलिए उसका नाम उसने दे दिया. हम तो कुछ भी नाम देते हैं उसका मीनिंग होता है. हम तो कोई भी बात करते हैं तो उसका मीनिंगफुल अर्थ निकलता है, मतलब अर्थ निकलता है. तो शास्त्रों ने इसके बारे में क्या बताया है, आयुर्वेद इसको क्या कहते हैं, ये हमारी भारत की विशेषता है. ये बहुत कम जगह पाया जाता है. भारत में ये अक्सर मिलता है, गाँव में जाओ, पहाड़ों में तो ये होता ही है. बड़े बड़े पहाड़ों में गिरनार जाओगे, बरड़ा डूंगर पे जाओगे, तो पहाड़ों का तो ये फूल है, ज़मीन में भी उगता है. तो जो कचनार है उसका उपयोग क्या है, डे टू डे लाइफ में भी उपयोग है, औषधीय उपयोग तो बहुत है. हम लोग जो इसका दवाई बना के उपयोग करते हैं वो ज़्यादा करते हैं. तो मैंने बताया ये बड़ा तो पेड़ नहीं होता, बहुत बड़ा पेड़ नहीं होता, ये एक शुभ आकार का होता है. मतलब ये उसकी हाइट होती है 15-20 फीट, उससे ज़्यादा नहीं होता, और बहुत फैल जाता है, और बड़ा फूलदार होता है. दिन साल में दो बार फूल आता है, एक अभी आएगा, फिर शरद ऋतु में भी फिर से आएगा, दो बार फूल आता है. इस बार बहुत ज़्यादा फरवरी और मार्च में सबसे ज़्यादा फूल आता है, क्योंकि पत्ते गिर जाते हैं पतझड़ में और वसंत आती है, तो पहले पत्ते ही होते नहीं. देखो इसमें बहुत से मुश्किल से ये पता लिया है. तो ज़्यादातर पूरी लकड़ी में फूल होते हैं, तो पूरा दूर से एक ऑरेंज कलर का, येलो कलर का, वाइट कलर का या पर्पल कलर का फूल दिखता है. प्रकृति की बहुत मनमोहक लुभावनी ये आकृति वहाँ उस समय होती है, क्योंकि वसंत ऋतु है. तो रोगाणाम शारदी माता, वसंत ऋतु तो वैसे अच्छी की गई है. हम लोग बहुत डर गए हैं इस समय जो माहौल चल रहा है, हमको लगता है कि ये क्या होगा. बड़े बड़े लोग हाथ नहीं मिलाना चाहते हैं, बड़े बड़े लोग गले नहीं लगाना चाहते हैं, बड़े लोग ऐसे गैदरिंग में नहीं जाना चाहते हैं, बड़े लोग ट्रैवलिंग रद्द कर रहे हैं, बड़े लोग को लगता है क्या हो जाएगा, कोरोना कोरोना कोरोना. वो रोना हर जगह रोया जाता है, पता ही नहीं उनको क्या होता है. मैंने अगले वक्त आपको होली के बारे में बताया था कि भाई होली हम क्यों करते हैं, ये वसंत ऋतु है क्या. ये वसंत ऋतु तो स्वागत की ऋतु है, ये वसंत ऋतु तो फर्टिलिटी की ऋतु है. वसंत ऋतु में बहुत से फूल आते हैं, तो इसका मतलब प्रकृति कुछ देना चाहती है. उस समय हमको कैसे रहना, बस वही समझना है. बाकी बुखार आएगा, जुकाम होगी, टोन्सिलाइटिस होगा, ये ऋतु का स्वभाव है. इस ऋतु में नहीं होगा तो कब होगा. इस ऋतु में आपको थोड़ा संभलना है बस, तो उसकी दिनचर्या उसके खान पान से आपको पता चल जाएगा. अगर हम होलिका का अच्छा दहन करेंगे तो आपको मालूम थे, लास्ट टाइम मैंने बताया था कि उस उपले में जो प्रोपिलीन ऑक्साइड, इथिलीन ऑक्साइड, क्योंकि गाय का गोबर ही ऐसा है, इसमें से ये जंतुनाशक स्मोक निकलता है, तो उसके उपले के मतलब छाना का जो स्मोक होता है वही जंतुनाशक है. बाकी कोई फिसिस या बाकी कोई प्राणी के ऐसा फिसिस से कुछ ऐसा नहीं होता. गाय ऐसी वनस्पति चरती है, गाय की डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसी है, गाय के आंतों में भगवान ने ऐसे एंजाइम्स सीक्रेट करना शुरू किया जो दूध में आता है तो हमारे लिए अमृत बन जाता है, गौमूत्र आता है तो रोगनाशक बनता है, और अगर गोबर में आता है तो वो ज़मीन को ठीक करता है, पर्यावरण को ठीक करता है. वो उनकी विशेषता है, जिसको आज की भाषा में हम उसको कहते हैं प्रोपिलीन ऑक्साइड, इथिलीन ऑक्साइड या जंतुनाशक गैस बनता है. बस आप इतना ही, कोई नाम का कोई ज़रूरत नहीं. ये हमारे पुरखों को मालूम था, हमारे ऋषि मुनि जानते थे, तो उसको जलाना वही तो है होली.
बाकी होली क्या है? मास फ्यूमिगेशन, कोई सुबह जलाए, कोई शाम को जलाए, कोई अपने घर में जलाए, कोई एक रूम में जलाए, ऐसा नहीं। एक साथ आप आंगन में, बाड़ी में, गांव में, गांव के बीच में जलाओ, एक नहीं, दो नहीं, हजारों होलियां एक दिन, एक साथ। एक साल पहले मुहूर्त निकलता है, जो आपने देखा होगा कि भाई एक साथ जलाओगे तो ही होगा। कछुआ छाप, अगरबत्ती या गुड नाइट या ऐसी कोई चीज़ आप एक रूम में जलाओगे तो दूसरे रूम में मच्छर जाएंगे, दूसरे रूम में से तीसरे में जाएंगे। तो ऐसा नहीं है हमारा कहीं भी एक मच्छर भागे या बैक्टीरिया, न दिखने वाला बैक्टीरिया जाके पाकिस्तान में जाए, भारत में से उधर जाए, ऐसा हमने नहीं सोचा था। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, तो पूरे सृष्टि में ये ठीक हो, इसलिए हमने ये होलिका का त्यौहार हमने मनाया था। होलिका का प्रहलाद के साथ क्या संबंध होगा या धर्म का, वो मुझे नहीं मालूम। हम तो यही जानते हैं, शरीर माध्यमी खलु धर्म साधनम, शरीर ठीक रहेगा, हमारे ऋषि मुनियों ने बोला, तो आप अच्छा धर्म कर पाओगे। आप माता पिता, पति, व्यापारी हो, दुकान चलाते हो, आप किसान हो, आप जो भी करते हो, अपना जो जीवन चलाना उसको धर्म कहते हैं, वो अच्छे ढंग से कर सको, इसलिए स्वस्थ रहना जरूरी है। तो वो स्वास्थ्य के लिए ये होली चलती थी। तो उसी तरह से ये जब फूल खिलते हैं, ये जो पराग रज इससे उड़ता है, क्योंकि जब वसंत ऋतु आएगी तो फूल खिलेंगे ही। फूल न खिले तो वसंत ऋतु किसको कहते हैं? तो वसंत में वसंत बहार कहते हैं। तो फूल खिलते हैं तो एक एक वनस्पति की अपनी अपनी पराग है, कुछ तो अच्छी भी है, कुछ तो बुरी भी है। और दूसरा, जो पृथ्वी का कोण बनता है जिस तरह से हम घूमती है, तो सुबह एकदम ठंड जैसा लगता है। देखो आपको अभी थोड़ी देर तो ऐसा लगे ऊपर कुछ पहने या ओढ़े, और जैसे ही 8 बज जाएगा तो आपको गर्मी लगने लगेगी, और 12 बजे तो ऐसी गर्मी होगी जैसे समर आ गया, वो मई महीने में होने वाला है, ऐसा ही शुरू हो जाएगा, और शाम को फिर से अंधेरा हो जाएगा ठंड। तो उस समय बहुत से प्रकार के विजिबल इनविजिबल बैक्टीरिया डेवलप होते हैं। वो जो बैक्टीरिया होते हैं जो दिखते नहीं, मसी शायद दिखेगी, मच्छर दिखेंगे, लेकिन न दिखने वाले बहुत से बैक्टीरिया है, उसमें से बर्ड फ्लू भी है, उसमें स्वाइन फ्लू भी है, उसमें या कोरोना वायरस भी है। अरे बहुत होता था, लेकिन हमको ये ठीक करने में हमारी संस्कृति ने बताया था कि क्या करो। अब अगर वही चाइना में, वही युवान प्रांत में अगर होली जलाते, और वो कर ही रहे हैं, एक एक आदमी के ऊपर गैस छोड़ रहे, तो हम तो वही करते थे। हमारे घर में ही हम होली जलाते थे, हमारे घर में ही हम यज्ञ करते थे, हमारे घर में ही गाय का दीपक जलाते थे। तो गाय के घी का दीपक जलाने से क्या होता है, उस घी से इथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड, फॉर्मल डिहाइड्रेट गैस बनती है। वो जो गैस है वो जीवाणुनाशक है। एक रूम में दीपक जलाना, दूसरे रूम में फिर भगवान के रूम में से, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, ऐसे हम दिया जला के घुमाते हैं ना, क्यों घुमाते हैं, हम आरती क्यों लेते हैं? तो वही तो था, वही सिद्धांत था। और शाम को फिर जब, या सुबह और शाम को मंदिरों में आरती लगती है, तो वहाँ तो पंचवटी होती है, बड़ी बड़ी वाटें होती है, कभी कभी तो 1000 वाट का दिया जलता है, क्यों करते हैं? तो वही कि भाई हमारे घर में से तो हमने मच्छर माखी या जो भी कुछ ऐसे नॉन विजिबल बैक्टीरिया निकाल दिया, लेकिन गाँव में चले गए तो गाँव में बीच में ठाकुर जी का मंदिर है, उस साइड हनुमान जी का मंदिर है, उस साइड में महादेव जी का मंदिर है, तो सब जगह पुजारी जाके ऐसा ऐसा करेगा तो कम्युनिटी फोमिगेशन शरीर में, शहरी में से, गली में से, पूरे गांव में से न दिखने वाले बैक्टीरिया को हर दिन भगाना, क्योंकि ये प्रक्रिया सिर्फ इस ऋतु में नहीं होती है, ये शाम को डेली होती है, ये सुबह डेली होती है, जब संध्या होती है ना, जब सूर्य भगवान नहीं निकलता तब तक ये होता ही है, रात से लेकर सुबह तक बहुत से बैक्टीरिया। इसलिए कहते हैं ना, रात को बाहर मत जाओ, संध्या टाइम में ऐसा मत करो, संध्या तो क्यों कहते हैं, उसी समय बहुत से बैक्टीरिया विजिबल ना हो, इनविजिबल नहीं दिखता है, लेकिन वो आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि सूर्य भगवान की हाजिरी नहीं है। जब सूर्य आ जाएगा, सोलार के किरण आने लगेंगे, तो फिर वो बैक्टीरिया वायरस भग जाएंगे। लेकिन शाम के वो समय, इसलिए हम दिया जलाते हैं, धूप करते हैं, मंदिरों में आरती होती है, पूजा होती है, हम भी ऐसा करते हैं कि हमारे सांस में भी हो जाए। होली में भी हम घूमते हैं तो हमारे प्रदक्षिणा करने से क्या होता है कि बाहर से तो भगा दिया बैक्टीरिया वायरस को, लेकिन नाक में जब अंदर गया, खून में घूम रहा है, लंग्स में जो है, फेफड़े में जो है, उसको कौन भगाएगा, इसलिए होली की प्रदक्षिणा। तो हमको मालूम नहीं था, तो ये प्रकृति हमको मदद करती है, उसको सोचो। लेकिन प्रकृति की मदद क्यों नहीं रहती, क्योंकि हमारा खान पान गलत है। हम मांस खाएंगे, मच्छी खाएंगे, कुछ भी खाएंगे, कैसे भी खाएंगे, कब खाएंगे, जो भी खाएंगे, घड़ी घड़ी खाओ, थोड़ी थोड़ी खाओ, क्या सिद्धांत कहाँ से आ गया पता नहीं। याम मध्यान भोक्तव्य, हम 6 घंटे तक कुछ भी अन्न नहीं लेना चाहिए, एक बार आपने अनाज लिया 6 घंटे तक कुछ नहीं खाना चाहिए, तो वो सिद्धांत कहाँ चला गया। दिन में 3 बार खा सकते हो, छोटे बच्चे 4 बार खा सकते हैं, अगर लिक्विड है तो 5 बार बच्चे ले सकते हैं, फ्रूट है तो 6 बार को टोटल सर्विंग हो सकता है, लेकिन हम लोग जो एडल्ट है तो हमको मालूम नहीं।
कैसे ही खाओ, कब भी खाओ, खाने के बाद खाओ, खाने के ऊपर खाओ, तो बॉडी में वो पचने वाला नहीं है, वो आम होता है। जब बॉडी में आम होता है, आप कुछ ऐसे भी खाते हो नॉन सीजनल चीज़, अभी आपने मैंगो खा लिया, अभी तरबूज आने लगे आपने खा लिया, तो क्या करेगा आपको ये मालूम नहीं। ये अंदर शरीर में रक्त में परिवर्तन होता है, तो ये बैक्टीरिया वायरस जब आपको इफेक्ट करते हैं तो वो बॉडी उसका रेजिस्टेंस पावर कम हो जाता है। तो बॉडी में ऐसे अपक्व अन्न रस यानी आम या कच्चा या टॉक्सिन जो भी बोलते हैं, तो जिसको फ्री रेडिकल्स बोलते हैं आज की भाषा में, इसकी वजह से जोड़ों के दर्द या सांस फूलना या अस्थमा होना, खांसी होना, टोन्सिलाइटिस, ये सब होता है। जो बॉडी का रेजिस्टेंस पावर बराबर है, आपने अच्छे ढंग से खाया है, ऋतु के हिसाब से खाया है, थोड़ा दो नेवला कम खाया है, हितभुक आपके तासीर के अनुसार खाओ, मितभुक दो नेवला दो बाइट कम खाओ, ऋतभुक ऋतु के अनुसार खाओ। तो ऋतु का मालूम ही नहीं, इस ऋतु में क्यों हम धानी दारिया खजूर खाते हैं, इसलिए कि कफ बनेगा ही इस ऋतु में। जो दिन में सुबह होता है और शाम को होता है, वो पूरा दो महीना तक ये वसंत ऋतु में होने वाला है। तो इस वसंत ऋतु में प्रकृति की, पृथ्वी की रचना ही सूर्य से ऐसी कोण से बनती है, तो ऐसा पूरा दिन में होगा, सुबह और शाम तो खास होगा, ज़्यादा होगा बाकी ऋतु से भी, तो आपको उस समय खान पान बदल देना चाहिए। तो ये धाणी कोई होली में लगाने की चीज़ नहीं है, स्वाहा क्यों करते हैं, होली के लिए नहीं करते हैं, वो हमारे लिए, हमारे में स्वाहा करना है, मतलब हमको वो खाना है। जो धाणी है वो वृक्ष पदार्थ है, वो कफ का सेवन करता है। जो हम मिलेट की पॉप मिलेट खाते हैं, मकाई की हो या खास करके ज्वार की जो धाणी है, वो बहुत बड़ा कफ को सेवन करती है और नोजिया वोमिटिंग बंद करती है, पाचन में हेल्प करती है। तो इसलिए हम और खजूर अभी क्या मीठा तो खाया, अभी तक हेमंत और शिशिर ऋतु में बहुत मीठा खाया, अड़दिया पाक वसाणा चिकी गुड़, तो अब उसका कफ बना है, लेकिन थोड़ा सूर्य निकलने वाला है तो थोड़ा कफ पिघलेगा भी, तो टोन्सिलाइटिस फेरेंजाइटिस सब होने वाला है। अब इतना मधुर रस बंद भी नहीं कर सकते, मधुर रस सबको अच्छा लगे, तो खजूर खाओ, बतासा खाओ, जो चाशनी को भी उबाल दिया गया खड़ी शक्कर की चाशनी से, बतासा जो है वो शीत नहीं रहता, फिर ठंडा नहीं रहता, खड़ी शक्कर ठंडी है। अब खड़ी शक्कर चाहिए क्योंकि वो एनर्जी है, चाहे चीनी तो नहीं चाहिए, शुगर नहीं चाहिए, हम जिसको खांड बोलते हैं वो तो खतरनाक चीज़ है, वो तो केमिकल से बनती है, लेकिन खड़ी शक्कर लेनी है आपको, कितनी लेनी है, तो उसको उबाल के जो उसका बतासा बनता है तो उसका एक संस्कार हो जाता है उससे, तो वो थोड़ी उष्ण बन जाती है। खजूर मीठा भी है उष्ण भी है, तो आपके शरीर में ऐसे कुछ मधुर पदार्थ भी जाए, खजूर है, बतासा है, धाणी है, दाढ़िया, तो दाढ़िया क्या है, वृक्ष है, कफ को कम करने वाला है, वो एनर्जी देने वाला है, बल भी चाहिए, जब वृक्ष पदार्थ खाएंगे तो बल कम होगा, तो बल वाला वृक्ष पदार्थ यानी चना। तो हम वो पूरी चीज़ ऐसी मेंटेन करते थे कि पूरा दो महीना बच्चों को धाणी दरिया खजूर बतासा कोपरा नारियल, एक दिन की बात नहीं है वो, होली की पूजा की बात नहीं है, पूजा यानी पेट पूजा अपने लिए। तो हम जब पेट पूजा करते हैं, नाश्ता करते हैं, कुछ लेते हैं, स्वाहा करते हैं, तो भगवान को याद करते हैं कि जिस सृष्टि ने हमको कुछ दिया उसके लिए अर्पण, इसलिए वो एक भाव लगता है कि भाई जिस होलिका से हमको पता चला, जिस पर्व का त्यौहार हम मना रहे हैं उससे पता चला कि भाई कफ का समन होगा, हमको बुखार नहीं आएगा, हमको टोन्सिलाइटिस नहीं होगा, हमको काकड़ा सर्दी सड़ेखम नहीं होगा, तो उसको भी अर्पण करो। और जो प्रोपिलीन ऑक्साइड देती है, इथिलीन ऑक्साइड देती है, ऐसे गोबर के छाणा की जो होली है उस माता को नमस्कार करना। और लास्ट टाइम मैंने बताया था कि उसके साथ जो होली फेरा करने में पहले बच्चे की पहली होली होती है, तो वो आपको याद रहना चाहिए। कुछ नए लोग आए इसलिए मैंने फिर से बता रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा जन्म होता है और उसके बाद होली आती है, तुरंत जब भी होली आती है एक साल के अंदर, तो उसका साथ फेरा करवाना, इसलिए करवाते हैं कि हुपिंग कफ का वैक्सीन हो जाता है, उसको कभी भी बड़ी उधरस मोटी खांसी मोटी उधरस नहीं होगी। उनके अंदर जो सांस में वो गया बच्चे के अंदर, तो एक बड़ी वैज्ञानिक प्रक्रिया थी, हम जो रस्सी लगाते हैं ना त्रिगुणी रस्सी, तो त्रिगुणी रसोई में से जो पर्टूसिस या टी जो है टी का पर्टूसिस यानी बड़ी उधरस मोटी उधरस, उस खांसी का अपने आप ठीक हो जाता है, कभी बच्चे को होता ही नहीं, जिंदगी भर नहीं होता, सिर्फ सात फेरे घुमाने से। वो साइंस ही मालूम नहीं हमको, वो साइंस कौन बताएगा। परंपरा में कहते थे कि ये ओढ़ी फेरा करना चाहिए, तो कि नहीं ये तो महिला करे तो धार्मिक काम है, हम बीड़ी पिएंगे बड़े आदमी, अरे उसको तो अस्थमा होने वाला है, टीबी महिला को कम होती है, भाइयों को क्यों ज़्यादा होती है, एक तो वो स्मोक करते हैं, नहीं करते हैं तो स्मोक पैसिव स्मोक बाकी लोग भी करते हैं, धुआं से जो नहीं करते स्मोकिंग, लेकिन हम पैसिव स्मोकर तो हम सब है, और बस हम नहीं फेरा करेंगे, ये तो धार्मिक काम है, तो महिलाओं का काम है, हमको पता ही नहीं ये महिला पुरुष ऐसा है नहीं, प्रकृति के परिवर्तन में हमारे ऋषि मुनियों ने कैसे रहना वो सिखाया।
तो लास्ट टाइम मैंने केसुला टेसु की पलास की बात की थी, ये जो है ये भी कफ को कम करता है। इस फूल का कलर इतना अच्छा बनता है, ये भी लगाया जाता है केसुला का केसरी कलर हवेली में पुष्टि संप्रदाय में, तो छिड़का जाता है। तो आपके उसमें हवेली में जो छिड़का जाता है, आप हम लोग घर में करते हैं तो हमको मालूम नहीं, इसलिए हम कुछ भी अबील गुलाल जो भी लेके ऐसे अबील और गुलाल कैसे बनता है, चूना और हल्दी से बनता है। तो हल्दी कफ नाशक है, हल्दी जीवाणु नाशक है, क्योंकि इस ऋतु में जैसे फेरेंजाइटिस होगा, टोन्सिलाइटिस होगा, उस तरह से स्किन में भी प्रॉब्लम होगा। तो स्किन में ऐसे कलर की ज़रूरत है, तो वो टेसु यानी पलास खाखरा का कलर, जो हमने केसुला का कलर, फिर हल्दी का कलर, उसी तरह से अगरू का कलर, इसका कलर। तो ये कलरफुल जो आता है, कलरफुल यानी कलरिंग, एकदम प्रकृति खिलती है, तो हर फूल है वो स्किन के लिए अच्छा है। इस ऋतु में स्किन खराब हो सकती है, इसलिए इसका बताया। अब कांचनार का और क्या उपयोग है, कांचनार का उपयोग है कहीं भी फोड़ा है, फुंसी हुए गांठ है, हम कहते हैं ना गांठ थी जाए, तो वो जो गांठ होती है उसको पिघाल देता है, ये इसकी इतनी ताकत है, ये इसको पिघाल के देता है। तो इसका ये जो पत्ता है, इसका काढ़ा, उसका जो पेड़ है उसकी छाल, उसका काढ़ा करके उकाड़ा करके पीना चाहिए, बस इतना ही करना है। कहीं भी खून निकलता है, पेशाब में ज़्यादा खून आता है, मासिक ज़्यादा आता है, पाइल्स में खून निकलता है, तो इसका फूल का गुलकंद बनता है। जैसे गुलाब का गुलकंद बनता है, उसी तरह से ऐसे फूल आप धनवंतरी मंदिर में जाइए आंगन में, और बहुत जगह ऐसे पड़े रहेंगे, सुबह आप जाएंगे तो इतने फूल गिरेंगे। आप लाइए, थोड़ा स्वच्छ कर दीजिए और एक कांच की बरनी में, जार में आप रख दीजिए थोड़ा, और उसके ऊपर शक्कर डाल दीजिए। दूसरे दिन जाइए, दूसरा जो फूल मिलेगा वो रख दीजिए, उसके ऊपर फिर शक्कर डाल दीजिए। ऐसा अभी 15-20 दिन तक करते रहेंगे, पूरी आपकी जार भर जाएगी, और वो आपको रखना है छोटे से बारी में या कहीं भी ऐसा विंडो में जहाँ से उसको धूप लगे, तो बस उसका गुलकंद हो जाएगा थोड़े दिन में। वो गुलकंद आपको कभी भी कहीं भी आपको जलन हो, पेशाब में जलन हो, छाती में जलन हो, बर्निंग हो, आँख में बर्न हो, हाथ पाँव में जलन हो, कहीं भी दाह हो, और ख़ास करके मूत्र में अगर खून आता है, डॉक्टर के पास जाओगे पथरी है कि नहीं, एक्सरे कराओगे बाद में होगा, पहले आप घर में ही दवाई है, पाइल्स में होता है, मासिक ज़्यादा आता है, मेंसिस आता है, तो बस कम आपका जो खून का जो पतला हुआ है वो ठीक हो जाएगा, खून अच्छा हो जाएगा। तो ये दाह है, जलन है, उसकी अच्छी से अच्छी सिर्फ इसका गुलकंद, और नहीं है मालूम तो ये फूल रख दीजिए, सुखा दीजिए, तो सूखा जो पत्ता है वो भी मिश्री के साथ चूर्ण ले लीजिए, एक चम्मच इसका चूर्ण फूल का, फूल जो सूखा है उसका, और एक चम्मच मिश्री खड़ी शक्कर वो आप ले लीजिए, तो आपका कहीं भी जो वो है जलन है या रक्त निकलता है, खून निकलता है, तो आपको ठीक हो जाएगा। अरे ये इतनी अच्छी चीज़ है कि दांत, ये जो लकड़ियाँ सूख के नीचे गिरेगी ना, और इसके पत्ते वगैरह, उसकी राख बना दीजिए, जला दीजिए अगर, और वो उसका मंजन सिर्फ करेंगे तो दांत का सूल है, जो दांत का दर्द है वो कम हो जाएगा सिर्फ उसकी राख से, और उसके अगर उस उकाड़ा कर दिया इस पत्ते का और उसका, तो आपका गला ठीक हो जाएगा, गले में अगर सूजन है, बोलने में दिक्कत है, तो वो ठीक हो सकता है। अगर आपको फोड़ा फुंसी है तो मैंने बताया उसका काढ़ा और उस तरह से साफ करना है, तो एंटीसेप्टिक भी है। तो ये फोड़ा है, फुंसी है, गांठ है, उसको कम करने वाला है। ये अतिसार है, जुलाब है, तो इसका सब्जी बनती है, आदिवासी लोग वनवासी लोग इसका साग खाते हैं, इतना अच्छा साग बनता है, कभी करके देखिए। तो उसकी सब्जी है, तो डाइजेशन को ठीक करता है, जुलाब को ठीक करता है। रक्तार्स मैंने बताया, पाइल्स में ये आपका इसका गुलकंद या मधु के साथ, खड़ी शक्कर के साथ आप ले सकते हैं। तो शरीर में ये, मैं बाकी उसकी दवाई के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, हम लोग थायराइड में इसकी अच्छी दवाई बनाते हैं, लेकिन वो तो आपको बनाने का तरीका भी ना बता सकते, और बस आपको मालूम होना चाहिए कि आपके आसपास में थायराइड की दवाई है। थायराइड की दवाई तो आप वैद्य को पूछ के करेंगे, लेकिन अगर आपने इसका सिर्फ गुलकंद खाया तो और भी कुछ फ़ायदा है आपको, ये अगर पत्ते आपने लिए तो आपको और भी फायदा है, वो इतना आप समझ लीजिए। इसकी एक विशेषता ऐसी है जो आप मान के आश्चर्य होगा कि अगर ये पत्ते हैं, आप कहीं बाहर जाते हैं तो जल बदलता है, पानी बदलता है, आजकल तो पानी लेके जाते हैं, लेकिन पहले तो हम जाते थे ट्रैवलिंग में, तो जहाँ जहाँ पानी का कुआँ होता है, कूपी होती है, वावड़ी होती है, पानी का परब होता है, प्याऊ होता है, वहाँ से हम पानी लेते थे, हमारा थेपला मिर्चा साथ में ले जाते थे, लेकिन ट्रैवलिंग में हम पानी तो बाहर से लेना पड़ता था, कितना दिन चलेगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, बाकी तो पानी इतना तो नहीं ले जा सकते। तो जब जल बदलता है तो हम जिस पानी से आदत ही है, जैसे हम जामनगर में रहते हैं तो हम राजकोट जाएंगे तो पानी सूट नहीं होगा, नहीं हो सकता है,
या भावनगर जाए, आज तो क्या है पूरे देश में एक ही प्रकार का पानी पिलाया जाता है। ऐसा नहीं था, हर गांव का पानी का करंट अलग था, पता चल जाता है कि आप कौन से गांव के हो, कौन से एरिया के हो। एक दिन की बात है, मैं आपको वो शेयर करूँ, बहुत मज़ा आएगा। मैं एक बार मुंबई में दाना मंदिर में उतरा स्टेशन से और मैं जा रहा था, तो अचानक एक आदमी ने मुझे रोका, अरे कच्छी आई है, तुम कच्छ के आदमी हो, कच्छी हो? हाँ, आके पजी मुझे मुझे पता चल गया कि वो मेरी भाषा बोलता है। तो बोले तुम, आपको कैसे पता चला मैं कच्छी हूँ? ठीक है, तो जी चाल चाहिए यार, ठीक है, तू तेरी चलने का तरीका बोल देता है, तो चाल से चलगत से पता चल जाता है कि आप कौन हो, बोलने से पता चलता है। छैत्य बोले तो समझ लें भावनगर वाला है, वो कभी श नहीं बोल सकता, वो हितेश हितेश नहीं बोल सकता, हितेश बोलता है, बोल ही नहीं सकता। मिंडे वाला स जो शकोरों का शह भावनगर का आदमी नहीं बोल सकता, वोड़ा लोग ये नहीं बोल सकते है? तो हम वोड़ा बोलेंगे, वो वोड़ा बोलेंगे, तो क्योंकि र नहीं बोल सकते हमारे कच्छ के लोग, द नहीं बोल सकते हम, दार को हम बोलते हैं डार, दादा को बोलते हैं डाडा। है आप एरिया से पता चलता है, क्योंकि उसके खान पान उसकी आदतों से वो उस एरिया का है, तो खान पान बदल जाता है तो थोड़े रोग आ सकते हैं, खास करके पानी बदलता है, जमीन बदलती है, अगर फल भी कुछ दूषित आ गया तो हम बीमार हो सकते हैं। तो इसके पत्ते का काढ़ा अगर पी लिया तो दूषित जल से जो होने वाली तकलीफ है, दूषित फल से जो होने वाली तकलीफ है, दूषित जमीन से जो हमको होने वाली तकलीफ है, वो ठीक हो सकती है। ये प्रकृति की कितनी विशेषता है देखो, और शास्त्रों ने कैसे ढूंढ के निकाला था कि आपको बस सिर्फ उसके पत्ते का पाउडर ले जाइए और थोड़ा पानी से उगालिए और वो पानी स्वच्छ हो जाएगा, वो पानी पिएंगे उसका काढ़ा तो आपके हाथों में उसको रेजिस्टेंस पावर आ जाएगा। तो जैसे मिर्ची क्यों ले जाते हैं हम साथ में, थेपला है, पूरी है, भाकरी है, कुछ भी हम नाश्ता ले जाते हैं साथ में मिर्ची रखते हैं, तो मिर्ची है वो जल प्रदूषित को रोकता है, हम इसलिए मिर्ची ले जाते थे। मिर्ची है ना, पानी बदलेगा। जो हम राजकोट गए, भावनगर गए, फिर प्लेन में गए, उधर गए, हम कहीं भी गए तो साथ में थेपला तो ठीक है खाया, लेकिन उसके साथ जो पानी बदला है तो जलवायु परिवर्तन से होने वाली तकलीफ में आपको मिर्ची बचाता है, मिर्ची पचने में मदद करता है, वाकई अलग बात है, लेकिन मिर्ची का एक विशेष गुण है कि जो आपको जलवायु परिवर्तन से बचाता है। तो इस तरह से ये कांचनार का भी एक बड़ा उपयोग है। तो ये प्रकृतिगत जो फेरफार है, जिसमें गले की तकलीफ होने वाली है तो गले को ठीक करने वाला, उसका काढ़ा करो, उकाढ़ा करो, तो ये आपको फूल, उसका कलर भी आपको स्किन डिजीज से बचाएगा, स्किन अच्छी करेगा। तो प्रकृति के जो अभी फेरफार हुए हैं, उस वसंत ऋतु को आप पहचानो, उसको समझो, उसको प्यार से स्वीकारो, डरो नहीं। ये आप लोग अपथ्य आहार करते हैं, मांस मछली खाते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, कब भी सोते हैं, कब भी जागते हैं, कब भी विश्राम भी नहीं लेते, और विश्राम के समय हम काम करने के समय दोपहर को सोते रहते हैं, तो कफ होने वाला ही है। वसंत ऋतु में दही का ना बोला है, इस ऋतु में दही मत खाइए। ग्रीष्म ऋतु में खाना है, ग्रीष्म ऋतु में दही खाना है, ज़्यादा खाना है, उसमें तो श्रीखंड खाएंगे। इस ऋतु में वैसे शाम को तो कभी दही नहीं खाना है, मुड़ो मोगरी ने दही सांझ पछी कोई दी नहीं, तो शाम को तो दही नहीं खाना है, लेकिन इस ऋतु में तो दिन में भी ना बोला है, और दिन में दिवा स्वाप वर्जयत, इस ऋतु में आपने अगर सोना दोपहर को कर दिया आधा घंटा भी तो बीमार होंगे ही होंगे। खान तनुजे पान करें ऊपर पिए दही, ताव कहूँ आऊँ छू पथारी करी के नहीं, तो पूरा युवान प्रांत है वो बुखार से चपेट में आ गया है। अब कोरोना वायरस हो या स्वाइन फ्लू हो या सार्स हो, बर्ड फ्लू हो, हमको कोई परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि हम होली की पूजा करते हैं, क्योंकि हम हमारे खान पान में मस्त है, हम उसका विज्ञान जानते हैं, भारत वो विज्ञान जानता है, उसको कुछ होने वाला नहीं है, बस अपनी परंपरा अच्छे ढंग से निभाए। उसमें जो वो कलर हमने गलत कर दिया है, वो कुछ भी लगाते हैं वो मत करो। उसमें हम गाय के ही उपले जलाए, घर में भी आप गाय डेली छोटा सा आधा भी एक गाय का उपला लेके, छाना लेके, उसमें थोड़ा सा घी डाल के, अगर एक कपूर डाल के आप डेली वो धूप करिए, आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी बीमार नहीं होगा, एंटीबायोटिक नहीं लेना पड़ेगा, और सुबह और शाम को गाय के घी का अगर दिया जलाया तो ये सार्स बर्ड फ्लू आपके घर में नहीं आ सकता, क्योंकि हमारी जीने की व्यवस्था ही ऐसी थी। अब वो विज्ञान उनको मालूम नहीं, कौन सिखाएगा हमको, तो मास्क लेने को बोला जाता है, 900 रुपये का एक मास्क, अब पूरा ड्रेस आ जाता है किसी परिवार का, तो तीन छोटे बच्चे हैं तो तीन चड्डियाँ आ जाती है 900 रुपये में, और एक मास्क लगाना, कोई मिलते नहीं। अभी नमस्कार करते, हम नमस्कार करते थे तो वो कहते आप तो क्या अनुसूचित है, लेकिन अब कहते हैं नमस्कार, हाथ नहीं मिला डरते हैं, तो हमारा भारतीय अब तो ईश्वर का नमस्कार करते थे कि जो भी आया उसको हम प्रणाम करते थे, तो हमारी अभिवादन की पद्धति नमस्कार थी। अब नमस्कार सबको ठीक लगता है, डर गए तो नमस्कार करने लगे, तो डर गए तो भारत में आओ,
तो भारत में तो और भी बताने लायक है। मुझे लगता है ये भरत भाई जो वीडियो उतार रहे हैं, हर गुरुवार को जो दिया जाता है, पूरे देश में फैला दो, पूरे देश में पता चलना चाहिए कि डरो नहीं, भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान विज्ञान, आयुर्वेद, हमारी जीने की पद्धति, जो इंडियन जो हमारी रेसिपी है, खान की पद्धति है, पीने की पद्धति है, जो इंडियन लाइफस्टाइल है, हमारी जीवन शैली है, सबको अगर ठीक हो रास आ गई तो दुनिया को भी ठीक हो जाएगा। कम से कम हम ठीक रहें, इसके लिए हम हर गुरुवार को मिलते रहे। अगले गुरुवार को मिलेंगे एक नई वनस्पति के साथ, नई जानकारी के साथ। मिलते रहिए, आप ये यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करिए, किसी को शेयर करिए, क्योंकि भरत भाई बहुत मेहनत से ये काम करते हैं और हमको बहुत आनंद आता है कि जामनगर में उपक्रम पिछले कितने समय से चलता है। आप आते रहिए, सबको बताते रहिए, जो पत्रिका हमारी स्टूडेंट्स ने तैयार की है सबको आप उसको फ़ोटो निकाल के शेयर करिए, ये वीडियो भी शेयर करिए। बस इतना ही कहते हुए आपको होली की शुभकामनाएँ, धन्यवाद।